नमस्कार, आज हम साबुत हरी मूंग की एकदम नई सब्जी बनाएंगे। यह सब्जी खाने में स्वादिष्ट है ही, साथ ही साथ इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए यह सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबुत हरी मूंग लिया है। मूंग को हमने एक रात के लिए भिगो कर रखा था, ये अच्छे से फूल गया है। सबसे पहले हम मूंग को जार में डालकर पीसेंगे। तो पूरे मूंग को हम जार में डाल देते हैं। अब इसी में हम 1/4 कप भीगी हुई मूंगफली डालेंगे। ये भी अच्छे से फूला हुआ है। इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। इसके बाद 2 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक को डालेंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मूंग को हम अच्छे से पीस लेते हैं। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। मूंग को हमने इस तरह से पीस लिया है। अब इसको हम इस बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा। नमक हींग को हम मूंग में अच्छे से मिलाएंगे। नमक हींग को मिलाने के बाद अब इसे हम पकाएंगे। चलते हैं हम गैस की तरफ। अब कढ़ाई में हम 1 लीटर पानी डालेंगे। अब इसी में हम डालेंगे 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़े से लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर हम 1 जाली वाला प्लेट लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो मूंग पीस कर तैयार किया है, अब इसको हम जाली के ऊपर रख कर पकाएंगे। पहले इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मूंग हाथ में लेकर हम जाली के ऊपर रखेंगे। जिस तरह से हम बरी बनाते हैं, उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। प्लेट के ऊपर हमने पहले से तेल लगा दिया था, जिससे पकने के बाद चिपके ना। अगर आपके पास इस तरह का जाली वाला प्लेट नहीं है, तो आप इसे छोटी थाली या प्लेट में बना सकते हैं, उसमें भी आसानी से बन जाएगा। अब कढ़ाई ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे इसके साथ साथ टमाटर प्याज भी पक जाए। लगभग 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। अब ये मूंग अच्छे से पक कर टाइट हो गया है। आप देख सकते हैं ये प्लेट में चिपक नहीं रहा है, यानी कि अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम साइड में रखेंगे। इसमें टमाटर प्याज भी अच्छे से पक गया है। इन सारे चीज़ों को भी प्लेट में निकालेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर जो कढ़ाई में पानी है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। अब ये जो मूंग की बरी है, ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब टमाटर प्याज का हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर टमाटर प्याज अच्छे से ठंडा हो चुका है। जार में डालने से पहले टमाटर छिलका हम उतार देते हैं। अब सारे चीज़ों को हम जार में डालकर पेस्ट बनाएंगे। पानी हम नहीं डालेंगे, इसे बिना पानी के पीसेंगे। पेस्ट बनाकर हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी को बनाएंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी। तेज़पत्ता बड़ा था, इसलिए हमने तोड़कर 2 टुकड़ों में कर दिया है। पहले जीरा को अच्छे से चटकाएंगे। जीरा भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को तेल में मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ताज़ा दही। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, क्योंकि दही थक्केदार है। अब दही को हम मसाले में डालकर पकाएंगे। इसी तरह दही को मसाले में मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं, जिससे दही मसाले के साथ अच्छे से पक जाए। दही को हमने मसाले के साथ पका लिया है। अब इसमें हम टमाटर प्याज का पेस्ट डालेंगे। जो पेस्ट हमने बनाया है, पूरे पेस्ट को हम कढ़ाई में डालेंगे। जार में जो थोड़ा बहुत पेस्ट लगा है, उसमें हम पानी डालकर निकाल लेते हैं।
अब मसाले को हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए सूखा होने तक पकाएंगे, यानी कि मसाला जब तक पककर सूखन हो जाए और ये तेल न छोड़ दे तब तक इसे हमें पकाना है। जब मसाला पकने के बाद तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए पूरी तरह से भून चुका है। अभी ये काफ़ी गीला दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम भूनते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा और ये पूरी तरह से पककर सूखे हो जाएंगे। गैस को हमने मीडियम में रखा है। अब आप देख सकते हैं मसाला भुनने के बाद सूखा हो गया है और ये तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। जो पानी हमने कढ़ाई से निकाला था पहले उसको डालकर मिलाएंगे। ये वही पानी है जो हमने टमाटर प्याज पकाया था। पहले इसको हम मसाले मिला लेते हैं। अब इसी में हम आधा कप पानी और डालकर मिलाएंगे। एक कप टमाटर प्याज वाला पानी और आधा कप सादा पानी, पूरा डेढ़ कप पानी हमने डाला है। इसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर दो हरी मिर्च हमने इस तरह से काट कर लिया है, इसको भी डाल देते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम मूंग की बरी डालकर मिलाएंगे। वैसे तो यह सब्जी ग्रेवीदार अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको गाढ़ा ग्रेवी पसंद है तो पानी केवल एक कप डालें। अब कढ़ाई के ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और सब्जी को 8 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। लगभग 10 मिनट बाद सब्जी को हम देख लेते हैं। ये सब्जी पूरी तरह से पक चुका है। इसमें जो मूंग की बरी है ग्रेवी को अच्छे से सोख लिया है, यानी कि सब्जी पूरी तरह से तैयार है। अब गैस को हम बंद करेंगे और सब्जी को एक बर्तन निकाल कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया साबुत मूंग की सब्जी बनी है। अगर आपको कुछ अलग सब्जी खाने का मन करे या फिर घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस तरह से सब्जी आसानी से बना सकते हैं। मूंग की यह सब्जी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होती है। आप इस तरह से घर पर सब्जी बनाकर रोटी पराठे चावल के साथ भी खा सकते हैं।